जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम क्लास 12 की जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी के सब्जेक्ट में पास कैसे हो सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पर मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, तो इसीलिए कई सारे लोग कमेंट कर रहे थे। मैंने रिप्लाई भी दिया कि भैया मेरा बायो सब्जेक्ट नहीं है, मेरा मैथ है, लेकिन बोले कि आप कुछ ऐसा बता दो कि हम पास हो जाएं बस। तो इतना हम आपको बता सकते हैं कि आप जो बायोलॉजी सब्जेक्ट है इसमें पास आसानी से हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये आप नोट करके रखिएगा कि इस वीडियो में हम ये आपको नहीं बताने जा रहे हैं कि आपको 90 नंबर या 80 नंबर कैसे लेकर आना है बायोलॉजी के एग्जाम में। पास होना है तभी आप इस वीडियो को देखिएगा, और जो इस वीडियो को देखेंगे वो पास हो जाएंगे। कोई रामबाण नहीं बताएंगे, कुछ ऐसे रूल्स बताएंगे जिनको आप आने वाले 24 आवर्स, यानी कि अगर अभी आप वीडियो देख रहे हैं तो अभी आपके पास 24 घंटे हैं, शाम को वीडियो देखेंगे तब भी 16 घंटे के आसपास आपके पास रहेंगे। अगर आपने बचे हुए टाइम में 16 घंटे, 8 घंटे, 4 घंटे, 2 घंटे जो भी बचे हुए हैं, अगर आपने इन रूल्स को अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कर लिया, जो हम बताएंगे उसको अगर आपने फॉलो कर लिया, तो आप बायोलॉजी के पेपर में आसानी से पास हो सकते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, इन सारे पेपर्स की वीडियो हमने पहले से ही डाल दी है कैसे पास हो। अगर आपको कोई भी देखनी है कोई भी वीडियो, तो आप जस्ट सर्च कीजिए कि मैथ में पास होने का फॉर्मूला बाई अंकुर यादव, या मैथ में पास होने की ट्रिक बाई अंकुर यादव, ऐसा आप सर्च करेंगे तो सारी वीडियोज आपको मिल जाएंगी। तो पास होने के लिए हम बढ़ते हैं अपने रूल्स की तरफ, क्योंकि हम इसमें पहले रूल्स बताएंगे फिर हम देखेंगे कि आगे क्या करना है रूल्स के अलावा। सो पहला हमारा रूल है वो क्या है, वो है कि अभी भी जितना टाइम आपके पास बचा हुआ है, ठीक है, अभी कुछ टाइम तो होगा। कई सारे लोग कमेंट करते हैं कि हम पेपर के 2 घंटे पहले देख रहे हैं, तो जितना भी टाइम आपके पास बचा है उतने में आप पढ़िए। पढ़ना क्या है, जो आपके नोट्स हैं, जो आपने नोट्स बनाए हैं, उन नोट्स को आप पढ़िए, अपना रिवीजन कीजिए। अब कोई लोग बोलेंगे कि भैया हमने तो साल भर पढ़ा ही नहीं, तो रिवीजन कैसा। रिवीजन का मतलब कुछ आपने नहीं पढ़ा है ना, तब भी जो 2-3 घंटे 4 घंटे जितना भी टाइम आपके पास बचा हुआ है आप पढ़िए। जो आपने नोट्स बनाए हैं एक बार उनको पढ़िए जरूर, क्योंकि एक कहावत है कि पढ़ने से आप पास नहीं होंगे, लेकिन नहीं पढ़ेंगे तो आप बिल्कुल भी नहीं पास होंगे। तो जितना भी टाइम बचा है उसमें पढ़िए, पढ़ने से आपको ओवरव्यू मिल जाएगा कि कैसे हम एग्जाम में लिखेंगे। मान चलिए कि आपने कोई एक क्वेश्चन पढ़ा, अब वो क्वेश्चन का आंसर 10 लाइन में है, और वही क्वेश्चन आपको बोर्ड में आ गया, भगवान कृपा से आपका वही क्वेश्चन बोर्ड में आ गया। अब आप 10 लाइन पढ़कर गए हैं, 3 तो आप 10 में से लिख ही सकते हैं, तो आप जो टाइम बचा है उसको पढ़िएगा। ये बात मानेंगे तो मान चलिए 20% आपका काम हो गया है पास होने का। और एक चीज आप ध्यान दीजिएगा कि मैथ में क्या होता है, 100 नंबर का पूर्णांक होता है, लेकिन बायो में 100 नंबर का पूर्णांक नहीं होता है। बायो में केवल और केवल 70 नंबर का पूर्णांक होता है, लिखित में 30 नंबर आपको प्रैक्टिकल दिए जाते हैं, दोनों को मिलाएंगे 100 हो जाएगा, लेकिन 30 नंबर एक्स्ट्रा आपको प्रैक्टिकल में मिल जाता है, और पास करने के लिए 70 में से 23 नंबर आपको लाना होता है, जितना आप 10th में लाते हैं इतना नंबर आपको पास करने के लिए चाहिए। तो पहला रूल आपने देख लिया कि पहले में आपको क्या करना है, जो भी टाइम आपके पास, जितना भी टाइम, थोड़ा बहुत ज़्यादा जितना भी टाइम है उसमें पढ़ना है, क्योंकि पढ़ने से आप पास नहीं होंगे, लेकिन नहीं पढ़ेंगे तो आप बिल्कुल पास नहीं होंगे। ठीक है, पढ़ने वाला काम हो गया और हमारा ये पूर्णांक वाला काम, ये 2 काम हो गया। अब आगे देखते हैं आगे क्या करना है। आगे ये आपका ऐसा कुछ पेपर आ जाएगा, इस बार बड़ा पेपर दे रहे हैं, A4 साइज के कागज में, पेपर में। तो पहले तो आपको बहुविकल्पीय क्वेश्चन मिलेंगे, 5 क्वेश्चन बहुविकल्पीय रहेंगे जिनको आपको सॉल्व करना है। ये मत सोच कर जाइएगा कि हम सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि हमें एक क्वेश्चन आ नहीं रहा है, आएगा वैसे भी नहीं आपको पेपर में, लेकिन जो नहीं आ रहा है वो भी सॉल्व करना है। सही आ रहा है, गलत आ रहा है, दिस इज नॉट एनी मैटर, ये कोई मैटर, कोई बात नहीं है। बात ये है कि आपको सभी को सॉल्व करके ही आना है, ये आपका मेन चीज़ है। ठीक है, सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो पहले 5 क्वेश्चन है, पहले आप इनको सॉल्व करेंगे, 1, 2, खा हो गया, और इधर गा, घा और अंगा नहीं है, 4 ही क्वेश्चन है। तो 4 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो प्रायिकता ये है कि 4 में से 1 क्वेश्चन तो आपका सही हो ही सकता है। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आपका 4 में से 4 सही जाएगा, लेकिन ऐसा हो सकता है कि 4 में से 1 आंसर आपका सही हो जाए। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे, अब देखेंगे 4 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए, आगे आएंगे दूसरे पर। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे कि अनिषेक फलन क्या है समझाइए, तो 1 नंबर के क्वेश्चन आप सोचिएगा शुरुआत में, अगर आपके पास आप बाद में इसको सॉल्व कर सकते हैं तो आप इनको छोड़ दीजिएगा पहले। ठीक है, ये जो 2 वाला क्वेश्चन है, 2 का 5 जो है ये आप छोड़ दीजिएगा। इनको कब सॉल्व करेंगे, सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आप इनको सॉल्व करेंगे। आगे आएंगे हम तीसरे पर, तीसरा हमारा 2 नंबर का क्वेश्चन है,
ये एकदम सही क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है मेंडल के पृथक्करण के नियम को समझाइए। अब कोई जरूरी नहीं है कि आपको पृथक्करण का ही नियम आए, आप कोई भी नियम लिख सकते हैं। अगर आप मेंडल को आपने पढ़ा है, मेंडल ने आनुवांशिक नियम दिए थे, तो मेंडल का अगर कोई भी नियम पता है तो दो नंबर का क्वेश्चन है। इसमें कम से कम चार लाइन आप जरूर लिखिएगा, इतना लिखेंगे तो आपको कम से कम दो में से एक नंबर मिल जाएगा। ठीक है, आगे आएंगे। वन्य जीव का संरक्षण क्यों आवश्यक है और इस सरकार द्वारा संरक्षण के क्या कदम उठाए गए हैं, ये सब आप अपने मन से बनाकर लिख सकते हैं। थोड़ा तेज बोलने में दिक्कत हो रही है तो इसके लिए धीरे धीरे बोल रहे हैं, लेकिन आप बातों को समझने की कोशिश कीजिएगा, ना कि आप टोन पर जाइएगा कैसे हम बोल रहे हैं। ठीक है, आगे आएंगे हम। पेचिस के कारक क्या हैं, लक्षण क्या है, बचाव तथा दो बचाव के दो उपाय लिखिए। तो पेचिस तो पता है आम आदमी को भी, पेचिस कैसे पड़ता है। अगर आपको ये सारी चीज़ें नहीं आ रही हैं, ये तो पता है पेचिस क्या है, आप यही लिख कर आइए, लेकिन नंबर कब मिलता है एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। नंबर आपको ऐसे नहीं मिलेगा, नंबर मिलेगा जब आप कुछ लिखेंगे, कुछ आप राइट करेंगे पेपर में, कुछ लिखेंगे तभी आपको नंबर मिलेगा, और नंबर मिलेगा तभी आप पास होंगे। ये वीडियो बहुत डिमांडेड है, इसलिए इसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बता रहे हैं। क्वेश्चन का आंसर तो हम नहीं दे सकते हैं, लेकिन ऐसी चीज़ें बताएंगे जिनको इम्प्लीमेंट करने से आप पास हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, वाटसन और क्रिक द्वारा प्रस्तुत किए गए डीएनए मॉडल की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए, दो नंबर का क्वेश्चन है। तो मान चलिए आपको नहीं पता है कि वाटसन और क्रिक कौन थे या इन्होंने क्या डीएनए मॉडल प्रस्तुत किया, तो इसमें एक चीज़ सभी को पता रहनी चाहिए, डीएनए क्या है। डीएनए के बारे में कुछ तो आप जानते होंगे, कुछ मतलब कुछ भी तो जानते होंगे। दो नंबर का क्वेश्चन है, चार से पाँच लाइन, कम से कम चार लिखना है, ज़्यादा से ज़्यादा छः सात आठ तक आप लिख सकते हैं। ऐसा लिखेंगे, कुछ भी लिखेंगे, दो में से एक मिलना पक्का है, तय है। आगे आएंगे, ऐसे ही आपको कई सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, सभी को आप सॉल्व करते जाइएगा। जैसे कि आवृत बीजी पौधों में द्विनिषेचन की क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। द्विनिषेचन आपको पता ही नहीं है, पता लगा, लेकिन आपको ये तो पता है कि आवृत बीजी पौधे क्या होते हैं, आवृत बीजी क्या है, या आवृत बीजी भी नहीं पता तो आपको ये तो पता है पौधा क्या होता है। आपको जो भी आ रहा है आप वही लिखिए, लेकिन लिखिए, क्योंकि नंबर आपको लिखने से ही मिलेगा। ये हम बार बार बोल रहे हैं कि नंबर लिखने से ही मिलेगा, जो आपके क्लास के गधे हैं ना वो पास हो जाएंगे, लेकिन अगर आप नहीं लिखेंगे तो आप फेल हो जाएंगे। अगर पास होना है तो लिखना पड़ेगा, और अगर आप एक कॉपी भरकर नहीं आते हैं तो आप ये आशा छोड़ दीजिए कि आप पास होने वाले हैं। पास होना है तो कम से कम एक कॉपी आप पूरा भरिए, प्लस में हो सके तो बी कॉपी भी भरिए, लेकिन एक कॉपी आप जरूर भरिए। एक कॉपी भरेंगे तभी पास होने के चांसेस बनेंगे, नहीं तो पास होने के चांसेस ना के बराबर रहते हैं। ऐसे ही सभी क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है पेपर में। पहला जो ट्रिक था हमारा, एक बार फिर से हम रिवीजन करते हैं। पहला था जो भी टाइम बचा उसमें आपको पढ़ना है, कुछ ना कुछ पढ़ते रहना है। दूसरा हमारा ट्रिक था कि 23 नंबर आपको लेकर आना है, जो कि आसानी से आ जाएंगे। उसके लिए क्या करना है, लिखना है। उसके बाद क्या करना था आपको, तीसरा था हमारा कि हमें क्या करना है, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व छोड़ना नहीं है, कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है, सभी क्वेश्चन के आंसर देने हैं। और अगर आप इसी में जोड़ सकते हैं कि क्वेश्चन का जो भी पार्ट आपको आ रहा है वो आपको सॉल्व करना है। जैसे कि अभी आपने देखा, आपने चौथा भी मान लीजिए कर लिया, पाँचवा, छठवां, सातवां, आठवां आपने सभी कर लिया। उसके बाद जब टाइम बचेगा तो आप ये एक नंबर वाला क्वेश्चन, जो कि दूसरा क्वेश्चन था आपका, ये वाला क्वेश्चन आप जरूर करेंगे। ठीक है, आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब तक आप कॉपी फुल भरकर नहीं आएंगे तब तक आप पास नहीं होंगे। ये गोल्डन लाइंस है, ठीक है, गोल्डन लाइन है, इनको आप फॉलो जरूर कीजिएगा। पेपर में जाएंगे, कम से कम सभी क्वेश्चन तो आप सॉल्व करके आएंगे, ये तो पक्का है, कोई भी क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं। सभी क्वेश्चन का आंसर गलत है कोई बात नहीं, चलेगा, लेकिन जो क्वेश्चन का आंसर है वो लिखा होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद एक कॉपी आप कम से कम भरेंगे, तब आप कहेंगे कि भैया हम पास हो सकते हैं। बी कॉपी भरेंगे तब तो पास हैं, उसमें कोई दो राय है ही नहीं, लेकिन एक कॉपी आप कम से कम भरेंगे, उसके बाद आएंगे। और इतना आप साल भर पढ़े हैं, कुछ ना कुछ तो आप पढ़े होंगे, कुछ तो आपको एक दो लाइन कुछ तो याद होगा। कुल मिलाकर कॉपी भर कर आना और आप पास हो जाएंगे, इतनी सी बात है। ए प्लस बी भरेंगे तो एकदम 100% पास हो जाएंगे, लेकिन कॉपी भर कर आना है, इतना आप याद रखिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था, जो दो तीन चीज़ें हमने आपको बताई, अगर आप उसको फॉलो करेंगे आप पास हो जाएंगे, 100% गारंटी है, लेकिन फॉलो करेंगे तब तो आई थिंक आप फॉलो करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। फिलहाल हम मिलेंगे ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।